इस बुलेटिन के प्रायोजक है संकट मोचन इंटर कॉलेज करिया बजना सुल्तानपुर जय सिंहपुर तहसील का नंबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल। इस बुलेटिन के प्रायोजक है सेमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल सुल्तानपुर का नंबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल। सुल्तानपुर के शंभूगंज में प्रसिद्ध विद्यालयों में लर्निंग आउटकम परीक्षा बनी मजाक। कई स्कूलों में छात्रों को नहीं मिले प्रश्न पत्र। छात्रों की संख्या से कम बांटा गया प्रश्न पत्र। अभिया खुर्द प्राइमरी स्कूल में कक्षा 3 के 9 छात्रों में से 5 को मिले प्रश्न पत्र। जूनियर हाई स्कूल सलाहपुर में 70 पर मिला 42 प्रश्न पत्र। फोटोकॉपी और ब्लैक बोर्ड पर लिखकर संपन्न कराई गई परीक्षा। सुल्तानपुर जिले के शंभूगंज कोतवाली क्षेत्र के जमुआवा में बालिका की नृशंस हत्या कर फेंक दिया गया था शव। बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश पर परिजनों से मिला बसपा का दल। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए हर संभव मदद का दिया आश्वासन। सुल्तानपुर में हुए रामकृपाल मौर्य हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। कई दिनों से पुलिस की पकड़ से चल रहा था दूर। हत्याभियुक्त दिनेश मौर्य ने संपत्ति के लालच में की थी ससुर की हत्या। बीते 6 फरवरी को घर में पड़ी मिली थी मृतक रामकृपाल मौर्य की लाश। सुल्तानपुर जिले के कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के लडुआ गांव के पास अनियंत्रित हुई तेज रफ्तार कार। कार के पलटने से 2 लोग हुए घायल। ग्रामीणों की मदद से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। सुल्तानपुर जिले के विकास भवन प्रेरणा सभागार में किया गया किसान दिवस का आयोजन। जिलाधिकारी सिंधुमती ने किया किसानों को संबोधित। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी रमेश प्रसाद मिश्र, कृषि निदेशक जितेंद्र शाही सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सुल्तानपुर के पारा बाजार में रोडवेज बस में नवजात बच्ची को छोड़कर गायब हुआ कलयुगी पिता। बेटी को अपनाने के लिए आगे आई अफसाना नाम की महिला। बच्ची को गले लगाकर एसपी कार्यालय पहुंची महिला। सुल्तानपुर में विकासखंड बल्दीराय के गोपालपुर गांव में मनाया गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। किसानों को दी गई खेती से जुड़ी जानकारी। मिट्टी की जाँच के अनुसार खाद का उपयोग और अधिक से अधिक जैविक खाद के प्रयोग की दी गई हिदायत। अमेठी जिले में हैवानियत का मामला आया सामने। 7 साल की नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पूरब गांव में गांव के ही आरोपी ने बालिका को घर में अकेली पाकर दिया घटना को अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शुरू की छानबीन। अमेठी जिले में सवालों के घेरे में आया अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। जांच करने पहुंची मदरसा मिनी। आईटीआई स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन की महासचिव सूफिया बानो। कार्यालय छोड़कर भागे बाबू और कर्मचारी। नाराज महासचिव ने मेन गेट पर लगवाया ताला। अमेठी के डीएम अरुण कुमार ने की पंडित दीनदयाल उपाध्याय आश्रम पद्धत बालिका इंटर कॉलेज असैदापुर का औचक निरीक्षण। खानपान की गुणवत्ता को देखकर डीएम ने जताई कड़ी नाराजगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को लगाई फटकार। अमेठी जिले के तिलोई तहसील में अधिवक्ता और लेखपाल के बीच हुए बवाल के बाद अखाड़ा बनी तहसील। धरना पर बैठे वकील। एसडीएम ने प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की पेशकश की। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में अयोध्या के 5 लोग शामिल, जिनमें से 4 लोग को बनाया गया ट्रस्टी। श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत गोपाल दास भी शामिल। अपने 6 सदस्यों को ट्रस्ट में शामिल करने की मांग करेगा निर्मोही अखाड़ा। अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत। मीडिया से रूबरू होते हुए अठावले ने कहा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनेगी बहुजन समाज पार्टी का यूपी में विकल्प। अयोध्या में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट हुआ प्रशासन। नगर निगम क्षेत्र में मांस की बिक्री पर लगाई रोक। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी किया आदेश। बाराबंकी में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। मसौली थाना क्षेत्र में मेथा गोदाम के चौकीदार को बदमाशों ने उतारा मौत के घाट। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसपी अरविंद चतुर्वेदी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बाराबंकी में कोटे के चुनाव के दौरान 2 पक्ष आमने सामने। ग्राम पंचायत वेरिया में खुली बैठक के दौरान हुआ बवाल। वसीम पक्ष और संजय पक्ष के लोग आपस में भिड़े। मारपीट में कई लोग हुए घायल। अनिश्चित काल के लिए टला कोटे का चुनाव। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।